हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से एक से दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रॉपर पढ़ लिया तो आपका एक नंबर तो पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं? RRB NTPC के लिए इम्पॉर्टेंट है, CGL, CPO, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, वहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं सिर्फ जनवरी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। जनवरी में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी बता दूंगा मैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक, 1 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल फैमिली डे। क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल फैमिली डे। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है कि आपको याद हो जाएगा। याद रखिए, ऐसा याद रखिए कि 1 जनवरी जब आता है तो आप सेलिब्रेट करते हो अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, यहाँ वहाँ पार्टी करने जाते हो, होटल में जाते हो खाना खाने। ठीक, तो ऐसे आप लिंक कर लीजिएगा कि 1 जनवरी को भैया फैमिली के साथ खाना खाने बाहर जाते हैं, तो ग्लोबल फैमिली डे। ओके, सेकंड देखिए, 4 जनवरी, भाई साहब 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है ना, जो ब्रेल लिपि होती है ना, हिंदी में बोलते हैं ब्रेल लिपि, जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग अंधे होते हैं वो लोग ब्रेल लिपि यूज़ करते हैं, तो वही है ये वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ये दोस्तों 4 जनवरी को आता है। मैंने कैसे याद रखा? मैंने ऐसे याद रखा, मुझे ट्रिक ऐसी बनाई मैंने कि ब्रेल लिपि को कौन पढ़ते हैं? जो लोग देख नहीं पाते, ठीक है ना, या फिर जिनकी आँखों में धुंधला धुंधला दिखता है, तो जिनकी आँखों में धुंधला दिखता है वो क्या करते हैं? चश्मा और लगा लेते हैं। दो आँखें तो ऑलरेडी होती हैं और ऊपर से चश्मा और लगा लेते हैं इतना बड़ा, तो दो आँखें और हो गई, तो दो और दो कितनी हो गई? 4। तो मुझे ऐसे याद हो गया, मैंने याद कर लिया कि चश्मा की 2 आँखें और खुद की 2 आँखें बराबर हो गई 4। तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे आता है। ओके, शायद आपको हेल्प मिले इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन है। 9 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? 9 जनवरी को NRI डे होता है। NRI डे मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ये डे क्यों मनाया जाता दोस्तों? इसी दिन है ना, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस इंडिया आए थे, इसीलिए NRI डे को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या होता है? ये होता है नेशनल यूथ डे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, 12 जनवरी को। अब देखिए क्यों 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, लेकिन एक और क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? तो दोस्तों वो होता है 12 ही तारीख को होता है, लेकिन वो जनवरी को नहीं होता है, वो 12 अगस्त को होता है ना। तो मैंने ऐसे याद रख लिया क्योंकि मेरा बर्थडे आता है 12 अगस्त को, तो मुझे याद हो जाएगा भैया कि 12 अगस्त मतलब इंटरनेशनल यूथ डे। मैंने अपने आप को इंटरनेशनल से लिंक कर लिया कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूथ डे की बात आएगी तो 12 अगस्त जो कि मेरा बर्थडे है ना, मैंने ऐसे याद रखा, और 12 जनवरी नेशनल यूथ डे जो कि सिंपल वाला नेशनल यूथ डे है। ठीक है, तो आपको जैसे हेल्प मिले वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, ये देखिए दोस्तों 15 जनवरी, दोस्तों 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। क्वेश्चन आता है कई बार कि भैया 15 जनवरी को कौन सा डे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन RPF, SI वगैरह में खूब आते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और RRB NTPC में भर भर के आएंगे, क्योंकि सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया आर्मी डे तो पता होना चाहिए ना, जो अपनी रक्षा करती है आर्मी, 15 जनवरी। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे याद रखा था कि भैया आर्मी वाले जो बंदे होते हैं, आर्मी वाले लोग, वो 15-15 दिन तक घर लौट के नहीं आते हैं, 15-15 दिन तक ठंड में कहीं खड़े रहते हैं बेचारे, मतलब अपनी रक्षा करते हैं देश की। ठीक है, तो मुझे ऐसे याद कर लिया कि भैया 15-15 दिन तक सोते नहीं हैं, खड़े रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ठीक, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा, थोड़ा विजुलाइज़ करिएगा, यही तरीका याद करने का दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, थोड़ी इमेज बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाएंगे। ठीक, अब जैसे ये देखिए 24 जनवरी, 24 जनवरी है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो दोस्तों इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। मैंने कैसे याद रख लिया? मुझे ऐसे याद हुआ कि भैया 24 डेट है जिसमें मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है, तो मैंने विजुलाइज़ कर लिया कि गर्ल, मेरी बहन गर्ल, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मैंने याद कर लिया कि मेरी बहन पैदा हुई थी 24 तारीख को। ठीक, तो मैंने ऐसे याद कर लिया, मुझे जनवरी भी याद रहा कि 24 जनवरी बोले तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो आप भी इस तरीके से कुछ भी थोड़ा विजुलाइज़ करके याद करिएगा, वरना आप भूल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप भूलें। अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट यूज़ होना चाहिए दोस्तों, काहे के लिए? वरना आप मेरे चैनल पर आए हो, ऐसे 1000 वीडियो डले हैं दुनिया में, है ना, तो आप उन पर भी जा सकते हो। अगर मेरे चैनल पर आए हो तो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, ये मेरा मोटिव है। तो आप इस तरीके से याद करिए कि 24 जनवरी गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, ये देखिए 25 को, 25 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? नेशनल वोटर्स डे। क्या होता है?
नेशनल वोटर्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। मैंने ऐसे याद करा कि भैया जब मैं वोट देने जाता हूँ तो यहाँ 25-25 लोग रोड पर खड़े रहते हैं और बताते हैं, भाई साहब आप एक काम करो, पंजा पे वोट दो, कोई बोल रहा भैया फूल पे वोट दो, कोई बोल रहा भैया हाथी पे दो, कोई बोल रहा है साइकिल पे दो, कोई बोल रहा तराजू पे दो, ठीक है। तो मुझे याद कर लिया मैंने कि भैया 25-25 लोग खड़े रहते हैं और वोट मांगने के लिए बोलते हैं, भैया इस पर वोट दो, उस पर वोट दो, ठीक है। तो मैंने याद कर लिया, आपको भी हेल्प मिलेगी, आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। अब देखो 26 जनवरी ये तो पूरी दुनिया को पता है, इसे बोलते हैं दोस्तों रिपब्लिक डे, है ना। अपना देश आज़ाद हुआ था, मतलब आज़ाद तो 1947 को हो गया था, है ना, 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो हो गया था, क्या इनेक्ट हो गया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान प्रॉपर भारत में आ गया था कि भैया इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसी दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब देखिए 28 जनवरी दोस्तों ये है डाटा प्राइवेसी डे। क्या होता है डाटा प्राइवेसी डे, तो मुझे याद हो गया, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, मुझे याद ही होगा इजीली, 28 तारीख है डाटा प्राइवेसी डे, आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो 30 जनवरी को दो दिन होते हैं, एक होता मार्टियर्स डे, जो शहीद हो जाते हैं ना लोग, उनका दिवस मनाया जाता है, और एक होता वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लेप्रोसी का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए, मैं बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद सर्च करें और मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप सिंसियरली पढ़ते हो कि नहीं। तो 30 जनवरी को दोस्तों मार्टियर्स डे होता है, एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें और आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स चल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, आप अपनी फैमिली के साथ 1 जनवरी के दिन खाना खाने जाते हो बाहर। 4 जनवरी बोले तो वर्ल्ड ब्रेल डे, जो लोगों को आँख में हल्का हल्का धुंधला दिखता है, उनकी दो आँखें तो होती हैं, ऊपर से चश्मा लग जाता है, तो 4 हो गई, ठीक है, तो 4 आँख हो गई बोले तो 4 जनवरी। 9 जनवरी को वर्ल्ड मतलब NRI डे है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। महात्मा गांधी जी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस इंडिया आए थे, इसी खुशी में NRI डे मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी मैंने बताया, दो होता है 12 जनवरी और 12 अगस्त, तो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, लेकिन भैया 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है, जो कि मेरा बर्थडे है, मुझे याद हो गया, मैं अपने आप को इंटरनेशनल खिलाड़ी समझता हूँ, इस तरीके से मैंने याद कर लिया, और समझना भी चाहिए, ठीक है। अपनी इमेज अगर अपने दिमाग में अच्छी नहीं है ना, तो दूसरा कहाँ से अपनी इज्जत करेगा, इसलिए अपने आप को हमेशा बेस्ट समझो एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, ईमानदारी से मेहनत करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक। 15 जनवरी आर्मी डे, आर्मी वाले लोग 15-15 दिन तक घर नहीं आते बेचारे, देश की सेवा करते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। 24 जनवरी को है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मेरी सिस्टर का मतलब जन्म हुआ था तो मैंने याद कर लिया कि 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। 25 जनवरी को होता है दोस्तों नेशनल वोटर्स डे, जब मैं वोट देने जाता हूँ तो रोड पर 25-25 लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं, भैया यहाँ वोट दो, वहाँ वोट दो, ठीक है। 26 जनवरी सभी को पता है रिपब्लिक डे, और देखिए 28 जनवरी को बोलते हैं डाटा प्राइवेसी डे। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाटा प्राइवेसी डे, इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार पढ़ लीजिए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी को क्या होते हैं, मार्टियर्स डे, 30 जनवरी मार्टियर्स डे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी इसी को बोलते हैं दोस्तों, ठीक। तो गाइज मैंने मेरी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और प्रॉपर याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मैं सारे पढ़ा दूंगा, तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप उन चीज़ों पर मत जाइए जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी से बहुत सारा आता है तो आप बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ें, डेज एंड डेट से आता है सबसे पहले पढ़ें, साइंस में इंस्ट्रूमेंट डिस्कवरीज ऑथर के नाम तो ये सबसे पहले याद करें, डिस्कवरर के नाम याद करें, जो इंपॉर्टेंट है ना बिल्कुल 80-20 कॉन्सेप्ट लगाएं और 80% जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करें। मैं बता रहा हूँ आपका जीके अपने आप इंप्रूव होगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे, लेकिन आंख बंद करके बेवकूफ़ों की तरह पढ़ोगे ना कि ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, ये भी याद कर लूँगा, तो आपके नंबर कम आएंगे दोस्तों, है ना। तो आप बिल्कुल बैकबोन की तरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, ठीक, मेरी आपसे यही सजेशन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, तो आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी से पढ़ें, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ एंड नेवर एवर गिव अप, ओके।